सर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग एजुकेशन अपने। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपना नाम और अपने डेयरी फार्म का फुल एड्रेस बताएं। मेरा नाम है दीनू कुमार रजक जी, बिपिन सेठी डेयरी है, मैं उनका मुनीम हूँ। अच्छा, आप उनके मुनीम हैं। तो सर अपना डेयरी फार्म लगभग कितने क्षेत्रफल में है और कितने टोटल पशु हैं? 3 एकड़ में है जी। 3 एकड़ में है और पशु 700 जानवर हैं, मतलब बड़े बड़े सब 700 जानवर बड़े जानवर हैं, बाकी छोटे की कोई गिनती नहीं? कोई गिनती नहीं। अच्छा, तो आपका समय है सर, मैं आपके डेयरी फार्म को टूर करना चाहता हूँ, एक एक चीज अच्छे से समझना चाहता हूँ जी। समय घूम लीजिए, कहाँ से शुरू करेंगे? आइए यहीं से सीधे यहीं से चलें। कहाँ जाते हैं हम फाइनली, यहाँ से टूर स्टार्ट करते हैं। तो भैया ये बताइए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ दूध बनता है, दूध आता है सर, दूध इकट्ठा होता है, दूध इकट्ठा होता है सारा। और यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी है जो यहाँ शहर से दूध छोड़ के आ गए, यहाँ खड़ी हो गई। अच्छा, शहर से दूध छोड़ के फिर खड़ी हो गई है। हाँ हाँ। अच्छा, तो लगभग कितनी गाड़ियाँ हैं अपने डेयरी फार्म में? दो गाड़ियाँ हैं, दोनों महिंद्रा की हैं। हाँ। अच्छा, ये दवाई वाई होती है इसमें जानवरों की जो परेशान करते हैं, दवाइयाँ होती हैं। अच्छा, इस साइड में कैसी गाय रखते हैं? बस ऐसी है, बंधी हुई गाय, ऐसी बनती आके में नहाई बंध गई आके। अच्छा, नहा दो के बंध गई। हाँ, जो भूसा तो... पड़ा है इसके सामने खाना। अच्छा, मतलब इनका भोजन पड़ा हुआ है, खा रही है अपना। अच्छा, खा रही है। इस लाइन में कितने जानवर होंगे? 44 जानवर। और इस लाइन पे दोनों मिला के 44 जानवर हैं दोनों लाइन में। आइए चलते हैं तीसरे सेट पे। तो जैसे हम देख पा रहे हैं सर, आपके यहाँ जैसे यहाँ पे गाय बंधी हुई है और उसके जस्ट बगल में मुर्रा भैंसे बंधी हुई है, तो गाय कुल इतनी है क्या आपके पास? हाँ इतनी, गाय कम रखे हुए हैं, भैंस ज़्यादा है। अच्छा, तो लगभग यहाँ पे इस लाइन में कितनी भैंसे बंधी हुई हैं? इसमें भी 40 जानवर। इसमें भी 40 भैंसे बंधी हुई हैं। तो सारी दूध दे रही है? सारी दूध। कितने महीने की ब्याई हुई है? सब ऐसी ब्याई की आ रही है, जैसे अभी ये 1 महीने की हुई ब्याई। हाँ। 15 दिन की ऐसे। ये वाली जो बैठी हुई है और ये बगल वाली वो भी हुई गाड़ी की भैंसे, मतलब सारी ताजी ब्याई हुई। सब ताजी ब्याई हुई। अच्छा, तो ये पंखे कब चलते हैं? गर्मी में। गर्मी में चलते हैं, बाकी ऐसे अभी ठंडी में तो यूज ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो हम बात कर लेते हैं, ये 3 सेट वाला जैसे आपका फर्स्ट सेट हो गया और इसके बाद एक दूसरा 3 सेट है आपका। इसमें भी 40 जानवर हैं। इसमें भी 40 जानवर हैं, मतलब दोनों इधर के और उधर के। हाँ जी, सब ऐसे 40-40 की लेन है। अच्छा, एक लाइन पे 40 जानवर हैं। 40-30-35 ऐसे। अच्छा, तो जैसे इतनी सटी हुई बंधी हुई है, इसमें कुछ समस्या तो नहीं होती? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं, अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगी वो। अच्छा, अपनी अपनी जगह पे सारी बैठ जाती हैं। और किसान साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी भैंसे बंधी हुई हैं। ये बताइए जो इनके नीचे गोबर होता है, कब तक साफ किया जाता है? अभी 1 बजे। 1 बजे मॉर्निंग वाला? 3:30-3:30 बजे। 3:30 बजे सफाई हो जाएगी, धुलाई हो जाएगी। शाम के 3:30 बजे या सुबह वाला? शाम वाला। शाम को। सुबह तो हो गया ना, सुबह सफाई हो गई, अपने अपने बैठ गई नहा खोर के। अच्छा, नहा धो के बैठ जाती है, मतलब जबलपुर का रूल यही है कि जब भैंसे नहाती हैं तो फिर उनको समय मिल जाता है, मतलब जो वर्कर रहते हैं फिर इसका इनके नीचे का सफाई हो जाती है, खाली हो जाता है और सफाई हो जाती है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं इसके जस्ट बगल में भैंसे एकदम लाइन से बंधी हुई है, इस वजह कैसे भैंसे बंधी हुई है इस लाइन पर? 40 जानवर हैं इस लाइन पर भी। 40 जानवर हैं, तो सारी भैंसें एकदम मस्त सटी बंधी हुई हैं। तो ऑफिस से लेकर के जो वो दीवार दिख पा रही है वहाँ तक अपना डेयरी फार्म होगा? हाँ हाँ। अच्छा, तो इस वाले पार्ट में जो ऑफिस का अपना लेफ्ट साइड का है, मतलब कि दाएं साइड का, इस वाले एरिया में टोटल पशु कितने होंगे? इसमें 311 जानवर। ये जो पानी आ रहा है ये कहाँ का आ रहा है? ये पानी दूसरी डेयरी वाले का आ रहा है। दूसरे डेयरी वाले का आ रहा है? हाँ। मना नहीं करते आप कि आप जो है दूसरी डेयरी का पानी निकाल रहे हैं अपनी डेयरी से? तो दोस्ती यारी में निकल रहा है। दोस्ती यारी में निकल रहा है, कभी ऐसा तो नहीं होता जैसे वहाँ के जो है बैक्टीरिया अपने फार्म में आ जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अपनी दोस्ती यारी में सबका सहयोग करते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, ये जो भैंसे बंधी हुई है दूसरी डेयरियों की भैंसे हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने जानवरों का दाना बनता है? ये बनता 311.5 जानवरों का। 300 से 11 जानवरों का। 300 से ज़्यादा जानवरों का। कांटा रखा जाता है, तुल के जाता दाना 13 किलो 14 किलो। यह मक्का है, बिनोला है, सरसमा है, राहर चुनी है, उर्दा चुनी है। जबकि एक भैंस को आप कितना फीड देते हैं? 14 किलो। 14 किलो फीड देते हैं दो भैंस के बीच में? दो भैंस के बीच में 14 किलो डालते हैं। कैसे? तगाड़ी में डालते हैं ना, घमेला। अच्छा, ये जो प्लास्टिक का टब रखा हुआ है, प्लास्टिक का टब भर के डाल देते हैं?
दो भैंसों के बीच में 14 किलो। तो इस वाले 311 एनिमल बताया आपने ना, इसमें कितने लोग मतलब काम करते हैं, वर्कर जो आप कितने तैनात हैं? तैनात तो वर्कर हैं अपने 3, 3, 2, 6 मान के चलो, इसमें 15-16 दोहाल हैं। 15-16 लोग 311 भैंसों की देखभाल कर लेते हैं। अच्छा, तो आइए आगे चलते हैं। इस समय ठंड की फीडिंग और गर्मी की फीडिंग कुछ अलग करते हैं कि सेम ही चलती रहती है? सेम ही चलती रहती है। मतलब ठंड में और गर्मी में कुछ बदलाव नहीं करते? तो वो जैसे अब ज़्यादा ठंड पड़ी तो भैंस नहीं नहाएंगी। क्यों, नहाना एक अलग बात होगी, फीड की बात होगी। जैसे आपने बताया अरहर की चूनी हो गई, उड़दा की नहीं, वो कुछ नहीं बदलता। मक्का की, मक्का हो गया, वो कुछ नहीं बदलता था। सारा कुछ जो ठंडी में फीडिंग करते हैं गर्मी में चलता। दो भैंसों के बीच में 14 किलो, अपना जल्दी जल्दी खा लेती हैं जो भी खाना होगा। और नहीं, मतलब एग्जैक्ट ये तो ये भी तो होता होगा, जैसे कोई भैंस ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा खाने वाली, ज़्यादा खा लेती होगी। जो नहीं खाएगी बीमार होगी उसका कर्मचारी इलाज बताते हैं। अच्छा, वो कैसे चेक करते हैं? वो बहुत दूध कम देगी तो समझ जाएंगे कि दूध कम दी। अच्छा, आप एक कर्मचारी के ऊपर कितनी भैंसें छोड़ते हैं? 13 भैंस। 13 भैंसें लगा लेता हूँ। 13 भैंसें? अरे 13, 15, 16 लगाते हैं। 16 लगाते हैं। वाले एरिया पे आप दूध डालते हैं? ऑफिस तो वहाँ है। अच्छा, दूध इकट्ठा होता है। दूध इकट्ठा होता है यहाँ पे, इस समय सारा खाली पड़ा हुआ है। तो ये बताइए ये कैसा एरिया बना रखा है? ये बैठने बैठने के लिए है। यहाँ पे सारा कुछ दिख जाते होंगे सारे जानवर यहाँ से। यहाँ पे मैनेजर कितने हैं? मैनेजर मैं हूँ, एक और है, एक वो है। अच्छा, 3 हैं। अच्छा जी, तो लगभग इन 311 एनिमल में कितने दूध पे हैं? सारे दूध पे हैं या ड्राई भी हैं? सब दूध पे। सब दूध पे हैं। अच्छा, तो ड्राई एनिमल आप कहाँ रखते हैं? पीछे। अच्छा, तो ये भी आपको पता ही होगा कि अपना 311 एनिमल का कितना दूध निकलता है? दूध का जोड़ना पड़ता है, तो दूध तो सब वहाँ से भी आता है, यहाँ से भी आता है। अच्छा, ऐसा हिसाब नहीं रखते क्या आपकी एक भैंस का कितना दूध हो रहा है? लिखते नहीं है क्या? सब लिखते हैं, 12 किलो, 13 किलो लिखते हैं, तो पता होना चाहिए ना भैया। वो टोटल जोड़ता है ना भैया। अच्छा, वो मालिक आज का दूध का उत्पादन कितना रहा? वो मालिक जोड़ते हैं। मालिक जोड़ते हैं, वो ही बता सकते हैं उसकी वजह से। सब लगने वाले दूध वाले जानवर है जी। अच्छा, तो जो ड्राई हो जाते हैं उनको नहीं पालते हैं क्या? वो पीछे है ना, वो पीछे हैं। अच्छा, तो इधर साइड इस वाले साइड में कितने एनिमल होंगे? इसमें भी है 250 जानवर। इधर भी 250 जानवर है। आपने तो 700+ बताया, तो पीछे भी है ना, जानवर तो हर जगह बंधे ना। मतलब फार्म ही फार्म है। हाँ, ये फार्म है, वो फार्म है, पीछे फार्म है। अच्छा, इसलिए मतलब थोड़ा एक बार में घूमना मुश्किल काम। हाँ हाँ, तो इस वाले फार्म में आप जो है सारी दूध देने वाली भैंसें रखते हैं? हाँ, सब दूध देने वाली। अच्छा, यहाँ पे भैया कैसी भैंस रखते हैं? यहाँ जो ब्याह की आएगी बच्चे देती है। अच्छा, ब्याह की आएंगी या बच्चा देने वाली? हाँ, बच्चा दे के यहाँ जाती है। बच्चा जब दे देती है तो यहाँ पे ले जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो जो ये वाला एरिया है इधर से लेकर के जो बाएं साइड का पूरा सेट है उसमें दूध देने वाली भैंसें रहेंगी। हाँ। और इस वाले एरिया में जो भैंसे बच्चा दे देंगे। हाँ। उसका एरिया और कहीं होगा? यहाँ जाती, वहाँ से ब्याह के यहाँ जाती। अच्छा, लास्ट में एरिया इसका बना रखा है। और यहाँ पे एक जैसे देख पा रहे होंगे किसान साथियों, यहाँ पे भैंसों का जो बीमार हो जाती है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और काफ कहाँ रखते हैं? काफ बच्चे इनके ये बंधे हुए बच्चे सब, ये छोटे छोटे बच्चे बंधे हुए। बच्चे तो बहुत कम दिख पा रहे हैं, और दिखाते हैं ना कहाँ पे हैं? और वहाँ पे उनके वाले बच्चे कहाँ रहते हैं? वो अंदर कटहरे पे। अच्छा, अंदर कटहरे में। अच्छा जी, बारे में तो यहाँ पे जो यहाँ की भैंसें रहती हैं उनको नहलाते धुलाते होंगे यहाँ पर? अच्छा, जो आपके मॉर्निंग का काम है वो कितने बजे ख़त्म हो जाता है? जी ख़त्म हो गया 9 बजे। 9 बजे ख़त्म हो गया। कितने बजे रात में चालू हुआ था? जी 3:30 बजे रात में चालू हुआ। 3:30 बजे रात में चालू हुआ था, तो 9 बजे पूरा ख़त्म हो गया। नीचे दाने वाली टंकी है। अच्छा, तो वहाँ पे 311 जानवरों के लिए वहाँ पे एक टंकी है, बाकी एनिमल के लिए यहाँ पे टंकी है। मतलब ऐसा होता है एक बार फुला देते हो आप, फुला करके जैसे ये वाला मान लीजिए भैंसों को खिला दिया गया, फिर इसको उस पर पलट दिया। अच्छा, ये सीन रहता है यहाँ का। तो जैसे आपने बताया कि उधर आपकी जो है भैंस ब्याने वाली रहती है, तो यहाँ पे कैसी भैंसें रहती है? यहाँ सब लगने वाली है। यहाँ पे भी लगने वाली वो पार है ब्याने वाली? अच्छा, सारी ब्याने वाली। मतलब ये जो कैसे लग रही है, मतलब कि ज़्यादा दूध दे रही है या कम मिल्किंग वाली है? सब जो ज़्यादा दूध वाली है, ज़्यादा दूध 12-13 लीटर दूध देती है। अच्छा, 12-13 लीटर आराम से नहा खोर के बन चुकी है। यहाँ पे भी एक हम दाना का स्टोर देख पा रहे हैं, यानी जहाँ पे आप दाना मिलाते हैं। जी, 51 भैंसों खिलाया जाता है जी। जो 51 थालने वाली है ब्याने वाली है वो दाना इनको दिया जाता है। अच्छा, 51 जानवरों को क्या खिलाते हैं आप? जी दाना खिलाया जाता है, दाना बताएंगे कौन कौन क्या कह रहता है? मक्का है, खली है, चुनी है, बिनोला है, गुड़ है।
कितनी मात्रा में देते हैं? इसको मान के 2-3 किलो दाना हर भैंस को देते हैं, एक भैंस को 3 किलो दाना। किसान साथियों, लगभग ये वाला एरिया भी हमने घूम लिया, तो ये है मेन ऑफिस जिसका आप जिक्र कर रहे थे। हाँ, मेन ऑफिस ये है। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ कर्मचारी लोग नहा रहे हैं, तो नहा दो के भैया शाम का काम कितने बजे चालू होगा? शाम को होगा 1:30 बजे। 1:30 बजे चालू हो जाएगा, तो भैया नहा दो के रेडी हो जाइए, शाम होने वाली है। अभी 12 बजे हैं, अभी नहाएंगे खोरेंगे खाएंगे पियेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ काप बंधे हुए हैं, ये भी ताजी बियाई है क्या? हाँ जी, अभी जी 10 दिन की बियानी हुई है। अच्छा, थोड़े दिन की ब्याई हुई है जी, 10-15 दिन की ब्याई भैंसे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी काफ बंधे हुए हैं, उधर साइड के थोड़ा काफ नहीं दिख पा रहे थे, यहाँ पे काफ़ी काफ दिख रहे हैं। ताजी ब्याई भैंसे मुझे लगता है आप यहीं पे रखते हैं। हाँ, आप बेचते नहीं हैं? नहीं बेचते नहीं, और खरीदते हैं, अभी तो खरीदी है जी गाड़ी, अभी आई। अच्छा। जैसे ब्याने वाली भैंस है, जो ब्याने वाली है इधर बंद गई आके। अच्छा, यहाँ से ब्या के फिर वहाँ चली जाएगी, यहाँ से ब्या के उस लाइन पर चली जाएगी। तो लगभग अभी ब्याने वाली भैंसें कितनी हैं जी? बंदी हैं 50-60-70 जानवर। 60-70 जानवर सारी मतलब ब्याने वाली ही हैं। अच्छा, किसान साथियों आपको वह ब्याने वाली भैंसें उनको भी दिखा देते हैं, फिर आगे ड्राई एनिमल की ओर चलते हैं। ये जाफराबादी नस्ल का है, इसको आप कहाँ से लेके आए थे? ये यही डेयरी में पाले हुए थे, डेयरी में ही तैयार किया। जाफरा भैंस थी ना, तो इसको पाले हुए थे, तो जो जाफरा निकल गया। अच्छा, जाफराबादी निकल गया, क्रॉस हुई होगी तो जाफराबादी निकल गया। हाँ। तो किसान साथियों, इस एरिया में लगभग सारे एनिमल जो ब्याने वाले हैं, जो ताजी ब्याने वाले हैं, लगभग 1-2 महीने में, इतना ही समय होगा कि ज़्यादा भी हो? बस 2-3 महीने के अंदर पे आ जाएंगे, 2-3 महीने के अंदर पे आ जाएंगे वो एनिमल यहाँ पे रखते हैं। तो अब यहाँ के जो ड्राई एनिमल है उनको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दूध देती देती भैंस ड्राई हो जाती है वो भैंस, और जैसे उनका बच्चा होता है जब बड़ा हो जाता है ना, मान लीजिए 1-1.5 साल का हो जाता है, तो वो बच्चे नहीं रखते आप? नहीं, वो तो किसान लोग ले जाते हैं, पढ़िया पालने वाले के लिए सब ले जाते हैं खरीद के, बड़े बच्चे। हाँ, तो मतलब ऐसे नहीं मिलने रखते हो कि नहीं भाई हम रखते हो कि जैसे 1 साल हो जाए काफ तैयार करें, फिर यहीं पे 2-3 साल खिलाएं उनको? नहीं, तो दूध नहीं देते ना, उस हिसाब से दूध नहीं देते। महंगाई आजकल की जो कितनी बड़ी महंगाई, डेयरी वाले वैसे कुछ नहीं कर पाए महंगाई के हिसाब से। अच्छा, अब बच्चे ज़्यादा नहीं पालते डेयरी वाले, कोई भी डेयरी वाला हो। इनका सर दाना वाला गोदाम कहाँ पे बना रखा है आपने? दाना वाला गोदाम जी है, और पीछे है, बंद है, एक पीछे भी है। तो किसान साथियों, ये दाना वाला गोदाम है, इसको देख लेते हैं क्या क्या रखा हुआ है। भैया, ये इसमें क्या क्या अभी मिला रखा है? इसमें गुड़ पका हुआ है। गुड़ पका हुआ है, ये किन एनिमल को देंगे आप? किन जानवरों को देंगे? जो ब्याह के जो मतलब ताजे जानवर हैं। ताजे जानवर हैं। अच्छा, ये क्या रखा हुआ है बोरियों में? सब पाउडर है। सब पाउडर है, मतलब पता नहीं आपको कौन सा पाउडर है? पाउडर है जी, मक्का है, छिलका है, बिनोला है, सब रखा हुआ है सब। इस वाले डेयरी फार्म में कितने एनिमल होंगे राइट साइड वाले में? जी यहाँ होंगे 350 जानवर। 350 जानवर होंगे, तो लगभग 350 और 311, तो लगभग हो गया 3×6 = 650, लगभग हो गया जाके कितना हुआ 661, और पीछे बंधे हुए। अच्छा, तो किसान साथियों, इस वाले फार्म में लगभग 661 एनिमल हैं, और जहाँ पे पीछे बंधे हुए हैं वहाँ पे भी हम भैया को लेकर के चल रहे हैं, वो वाला एरिया भी घूम लेते हैं भैया कहाँ पे ड्राई एनिमल रखते हैं। और यहाँ पे जगह की थोड़ा कमी रहती है, मतलब एक जगह जमीन नहीं मिल पाती है क्या, एक जगह पे पूरा फार्म बन जाए? नहीं, जगह की फैसिलिटी रहती है ना, जब पुराने पहले ले लिए, अब लोग बाग क्या है, धंधे बढ़ जाते हैं। किसान साथियों, फाइनली इस डेयरी फार्म का हमने लेफ्ट और राइट साइड दोनों विजिट कर लिया है। कहाँ लेके चल रहे हो आप? चूड़ी वाले गोदाम। चूड़ी वाले गोदाम में चल रहे हैं, अभी चलते हैं। किसान साथियों, मेन गेट के जस्ट बगल में ही यहाँ का गोडाउन है जहाँ पे चूनी उनी सब यूज करते हैं। तो भूसा तो आपके पास बहुत ही कम रखा हुआ है। तो आता जाता है ना भूसा, खरीदते हैं, अब जब स्टॉक जितना था वो खत्म हो गया। अच्छा, जितना स्टॉक था वो खत्म हो गया। हाँ, मतलब कितने दिन में आ जाता है भूसा यहाँ पे? मन के चलो, अभी भूसा चल रहा है, अभी 2-4-10 दिन में फिर आ जाएगा। 2-10 दिन में आ जाएगा, मतलब आता ही रहता है। आता ही रहता है, 700+ जानवर है, तो फिर आता रहेगा। आता रहता है। और यहाँ पे क्या रखा है?
वही रखा है दाना पानी, दाना पानी रखा हुआ है। तो आइए चलते हैं, जो आपके ड्राई एनिमल हैं वो दिखा दीजिए, फिर मैं आपको छुट्टी देता हूँ, ठीक है सर? जी जी। किसान साथियों, जो इस डेयरी फार्म की गाय ड्राई हो जाती हैं तो इस साइड में रखा जाता है। तो ये चलते हैं साइड में, इस वाले साइड का भैया कितना एरिया होगा? इसका तो पता नहीं, किराए से बंधी हुई है। किराए में बंधी हुई है, वो वाला सेट अपना है और ये वाला सेट किराए का है। आराम से उतरिएगा भैया। कम फीडिंग देते होंगे? हाँ हाँ कम। अच्छा, तो यहाँ पे लगभग कितने एनिमल होंगे? यहाँ 40 जानवर हैं। 40 जानवर हैं, तो लगभग ये हो गए जाके आपके 700। अच्छा, 750 जानवर हैं टोटल। अच्छा, अभी बच्चे तो गिने ही नहीं गए ना? हाँ हाँ, बच्चे अच्छे नहीं गिने गए किसान साथियों, बच्चे नहीं गिने गए। और कुछ ऐसे एरियो में हम गए नहीं जहाँ पे बच्चे बांधे जाते हैं, और भी कुछ ड्राई एनिमल जैसे उसके पीछे भी है क्या भैया, जहाँ पे हम लोग गए थे जहाँ पे प्रेग्नेंट भैंसें थी? हाँ, वो पीछे है, वहाँ गए नहीं। उसके पीछे भी एक गेट लगा था, और उसके पीछे जाते ना तो और भी ड्राई एनिमल मिल जाते हैं। ये आपका जो है गोबर है वो कहाँ जाता है? गोबर चला, जो गोबर बेच देते हैं लोग, बाग ले जाते हैं, कंडे बनाते हैं। अच्छा, कितने दिन का गोबर बिकता है यहाँ पे? रोज का रोज जाता है। रोज का रोज जाता है। थोड़ा मिल्क का उत्पादन बता देंगे थोड़ा जानकारी के लिए? दूध का तो भाई मालिक बता सकता है कि कितना दूध होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने समय निकाल कर आपने पूरे डेयरी फार्म का टूर कराया है जी।